सुबह के 5 बज रहा है जब ये वीडियो आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इंडिया में बैन होने वाला है, क्योंकि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ऐसा कुछ काम कर रहा है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को फिर से रिस्क में डाल रहा है। इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस निकल के आया है। मुझे नहीं लगता है कि ये एविडेंस प्रूफ हो जाने के बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को इंडियन गवर्नमेंट और चलने देगा, क्योंकि क्राफ्टन जब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को इंडिया में लॉन्च किया था या फिर जब लॉन्च होने की बात चल रहा था, उस वक्त उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं रख रहे। वीडियो को और आगे ले जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, इसके पहले हम इसे पबजी के नाम से जानते थे, जो टेंसेंट नाम का एक कंपनी चलाता था। इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसको बैन किया था, वहां पे सबसे बड़ा जो उनके अगेंस्ट में कंप्लेन था कि वो यूजर डेटा को चाइना के सर्वर्स में स्टोर कर रहे थे। अब क्राफ्टन जब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में बात करना स्टार्ट किया, उस वक्त लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी डेटा होगा वो इंडिया में रहेगा और सिंगापुर में रहेगा। लेकिन अभी IGN, जो एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, उन्होंने काफ़ी सारा टेस्ट किया है और वो करने के बाद ये पता चल रहा है कि क्राफ्टन ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस लेकिन वो जस्ट करने के लिए किया था, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं हो रहा है। अगर आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेल रहे हो अपने एंड्रॉयड डिवाइस से, तो आपका डेटा जा रहा है चाइना। अब इसके ऊपर IGN के किसी रीडर ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि उनका जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जाएगा, लेकिन वो पूरा जो प्रूफ है वो प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लिया और उसके बाद उन्होंने खुद उसको टेस्ट किया, और उसके बाद क्या रिपोर्ट है मैं उसे आपको बता भी रहा हूँ, और जो आर्टिकल है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप डिटेल में इसे पढ़ भी सकते हो। इस चीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल किया एक डेटा पैकेट स्निफर ऐप। अब ये क्या करता है, ये यही करता है कि अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो आपके मोबाइल पे जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो वो कौन से सर्वर को कनेक्ट कर रहा है वो ये बता देता है, यानी आपको IP एड्रेस दे देगा, उससे आपको सर्वर का पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले डेटा पैकेट स्निफर ऐप को इंस्टॉल किया, उसके बाद बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को इंस्टॉल किया, और वो करने के बाद उन्होंने वहाँ पे गए और वहाँ पे फुल एक एरेंगल में मैच खेल लिया। वो खेलने के बाद उन्होंने चेक किया कि उस दौरान, मतलब ऐप ओपन होने के बाद, गेम खेलने के बाद जाके उनका जो सॉफ्टवेयर है, जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है, वो कौन से सर्वर को कॉन्टैक्ट किया, जहाँ पे एक IP एड्रेस बार बार दिखाया जा रहा था जो है 36.152.4.34। जब इसको ट्रैक किया गया तो देखा गया कि ये जो IP एड्रेस है ये चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन का है, जो एक चाइना गवर्नमेंट द्वारा ओन किया हुआ कंपनी है और जो चाइना के बीजिंग में है। इसके साथ साथ उन्होंने उसका प्रूफ भी दिया, स्क्रीन के ऊपर आप वो प्रूफ देख सकते हो। बात सिर्फ यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता है, उन्होंने ये भी देखा कि जब गेम स्टार्ट हो रहा है या फिर जब गेम बूट हो रहा है उस वक्त, लेकिन गेम बीजिंग में स्थित उनका, मतलब उनका नहीं, टांसेंट का आपका जो सर्वर है, उस सर्वर को भी वो गेम, मतलब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पिंग कर रहा है। उसके साथ साथ और भी कुछ एड्रेसेस उनको मिला, मतलब वेब एड्रेसेस काइंड ऑफ उनको मिला, जो क्यू क्लाउड जो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसका मालिक है टेंसेंट। अब क्राफ्टन का बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया क्या कहता है अपने टर्म्स एंड सर्विसेज में, वो कहते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेयर्स वुड बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन सर्वर्स बेस्ड इन इंडिया एंड सिंगापुर। तो जो डेटा होगा वो प्रोसेस होगा इंडिया और सिंगापुर के जो सर्वर्स है वहाँ पे, और वो ये भी कहते हैं कि मे ट्रांसफर योर डेटा टू अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। और इस चीज़ को कह के डेटा आपका कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ये डेटा जा रहा है चाइना, US, मॉस्को जो रशिया में स्थित है,
और सिंगापुर एंड इंडिया में मुंबई में उनका सर्वर है वहां पे। चाइनीज ऐप्स को जब बंद किया गया था उस वक्त पबजी को भी बंद किया गया था उस वक्त, लेकिन यही प्रॉब्लम था कि डेटा चाइना के वहां पे जा रहा था और उस चीज़ को बंद करने के लिए पबजी को बैन किया गया था। अब उसके बाद जब क्राफ्टन आया बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लेके, वहां पे हम लोगों ने ये ट्रस्ट किया था कि वो अपना जो डेटा है, मतलब हमारे इंडियंस का जो प्लेयर्स का जो डेटा है वो चाइना नहीं जाएगा, लेकिन आईजीएन जो नया ये जो पोस्ट निकाला है उसके मुताबिक लेकिन डेटा अभी भी चाइना जा रहा है। आपको क्या लगता है ये होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क लेके बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को रखेगा एक्टिव या फिर बैन कर देगा? जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। क्राफ्टन की तरफ से इसके ऊपर कोई भी अपडेट या कमेंट अभी तक, एटलीस्ट जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं आया है। अगर कुछ आता है, अगर इसको वो दूसरे की तरफ से एक्सप्लेन करते उसका भी मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। उसके लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा के रखिए, जिससे इसके ऊपर मतलब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का फ्यूचर के ऊपर अगर कुछ आता है आपको पता चल जाए। दरअसल दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।